एवरीवन, अब हम डाइवर्जेंस और कर्ल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें दिया गया है इफ आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये दिया गया है मुझे इफ। देन आपसे कहा गया है आपको प्रूफ करना है। सबसे पहला मुझे प्रूफ करना है कि जब भी हम डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालते हैं, ध्यान रखिएगा आर एक वेक्टर फंक्शन हमें प्रोवाइड किया गया है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू 3 के इक्वल होती है। सेकेंड हमसे कहा गया है आप निकाल के दिखाइए कर्ल ऑफ आर विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर आर, दिस इज इक्वल्स टू 2/r। एंड लास्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड दी गई है, जब आप आर कैप का कर्ल निकालते हैं तो ये वैल्यू 0 के बराबर होती है, राइट। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको आर की टर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कुछ वैल्यूज पहले ही निकाल लीजिए। मुझे दिया गया था आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। सबसे पहले मैंने इसका मॉड्यूल निकाला। जब आप इसका मॉड्यूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको आप सिंपली आर भी लिख सकते हैं। ये जो आपको दिया गया था ये वेक्टर आर है। मैंने आपसे कहा था एग्जाम में क्या होगा, जब भी आपको वेक्टर आर प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको थोड़ा डार्क कलर से लिखा जाएगा, और जब भी आपको स्केलर आर दिया जाएगा तो उसको थोड़ा लाइट कलर से लिखा होगा, वो एरो ऊपर नहीं लगाएगा। बट अभी हम हर जगह एरो यूज करेंगे ताकि हमें डिफरेंस क्लियरली समझ में, राइट। मैंने जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। हम सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। वाई और जेड कॉन्स्टेंट हैं तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन जब मैंने इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो r स्क्वायर का फिर से हो जाएगा 2r, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 2y। फिर से आपको मिल जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई आर। एंड सबसे लास्ट जब मैंने z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म किया तो ये हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 2z, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू जेड डिवाइडेड बाई आर, राइट। ये आप स्टार्टिंग में ही ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये ध्यान है तो आप आराम से आर के टर्म में कोई भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा तो आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं, राइट। तो हम ये ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको वन बाय वन जितनी भी प्रूविंग दी गई है वो प्रूफ करके दिखाने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट प्रूविंग हम पहले करते हैं। फर्स्ट मुझे दिया गया था डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू मुझे 3 के बराबर दिखानी, राइट। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस ऑफ आर। डाइवर्जेंस ऑफ आर को हम लिख सकते हैं डेल डॉट आर। यहाँ पे आर जो भी दिया गया है वो क्या है, वेक्टर। डेल को मैंने लिखा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, दैट मींस आई कैप का कोफिशियंट हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे आई कैप का कोफिशियंट है एक्स प्लस जे कैप का कोफिशियंट डेल अपॉन डेल वाई, और वहां हो जाएगा आपका वाई प्लस के कैप का कोफिशियंट डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ हमें मिलेगा जेड। जब हम x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू होगी 1। सिमिलरली y का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और z का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन ये वैल्यू हो जाएगी 1। दैट इज 1 + 1 + 1 3, दैट इज राइट हैंड साइड। दैट मीन्स सबसे पहली वाली प्रूविंग आपकी इजिली हो गई, ओके। अब हम आते हैं सेकेंड प्रूविंग में। सेकेंड हमें प्रूफ करना था कर्ल ऑफ आर के लिए, राइट। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके अगेन स्टार्ट करती हूँ कर्ल ऑफ आर। इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस आर।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो डॉट यूज करते हैं, और जब भी हमें कर्ल निकालना होता है तो हम उसकी जगह पे क्रॉस यूज करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने डिटरमिनेंट बना लिया। पहली वाली रो में मैंने लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड में हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और थर्ड वाले में हम आर का कोफिशियंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशियंट हम मेंशन करते हैं। मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, आई कैप को एज इट इज रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई। राइट, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। देन हो जाएगा माइनस जे कैप, अगेन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स, और सबसे लास्ट वाली वैल्यू आपको मिलेगी के कैप। जब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको मिल जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स। राइट, अब हम पूरा डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। आई कैप को मैंने एज इट इज रखा, जेड का जब आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट दैट इज जीरो, अगेन जब वाई का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जेड कॉन्स्टेंट, और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई कॉन्स्टेंट। माइनस जे कैप, अगेन क्या मिलेगा, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, और एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी जीरो। प्लस के कैप, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, और जेड और एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू हो गई जीरो। सो हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई दैट इज जीरो। दैट मीन्स जब भी आप डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालेंगे तो हमेशा ये वैल्यू थ्री होती है, और जब भी आप कर्ल ऑफ आर निकालेंगे तो ये वैल्यू हमेशा जीरो आती है। राइट, अब हम थर्ड प्रूफ करने जा रहे हैं। थर्ड मुझे दिया गया था डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप। राइट, आर कैप का मतलब यहाँ पे होगा यूनिट वेक्टर। हमेशा हम आर कैप को क्या ध्यान रखेंगे, ये यूनिट वेक्टर हमें दिया जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती थी डेल डॉट आर कैप, अगेन मैं इसको लिख सकती थी डेल डॉट आर कैप का मतलब वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर को मैंने सिंपली आर लिख दिया। इट इज ऑल्सो रिटन एज डेल की वैल्यू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू रख दिया दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर की जगह पे हम अभी आर ही लिखते हैं। ओके, आगे देखेंगे इस आर को कैसे हमें सॉल्व करना है। देन मैंने डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो आई कैप का कोफिशियंट दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे आई कैप का कोफिशियंट हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई आर। ओके, क्योंकि आर सबके साथ जाएगा। प्लस जे कैप का कोफिशियंट डेल डिवाइडेड बाई वाई, और ये हो जाएगा आपका वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये मिल जाएगा आपको जेड अपॉन आर। हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म यूज होगा। राइट, हमने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको अलग अलग परफॉर्म करोगे, या आप इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के भी कर सकते हो। राइट, आप एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो और वन अपॉन आर को सेकेंड फंक्शन मान लो, तो भी आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर दोगे। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और वन बाय आर को मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने प्लस साइन का यूज किया, एक्स को मैंने एज इट इज रखा, और जब हम वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो आएगा माइनस वन अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे इसको। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी मैंने दो फंक्शन माना, तो वाई का डिफरेंशिएशन आप परफॉर्म करोगे तो आएगा वन, सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, वन बाय आर का आप करोगे तो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई। प्लस थर्ड हमने किया सेम इसी तरह, तो जेड का हो जाएगा वन, वन अपॉन आर को एज इट इज रखा, देन जेड को एज इट इज रखो, वन अपॉन आर का करेंगे तो आएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल आर।
हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको वन अपॉन आर, वन अपॉन आर, वन अपॉन आर, विच इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन आर, राइट। सबके पहले टर्म को मैंने अलग कर दिया। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे इन तीनों टर्म्स में अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाला हुआ था पहले। आप अभी प्रीवियस में देखोगे तो मैंने डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाला हुआ है एक्स अपॉन आर, तो मैंने डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स अपॉन आर। प्लस आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, राइट, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन आर, प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आप थर्ड वाले टर्म के लिए करोगे तो आएगा माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी जेड अपॉन आर। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन आर एज इट इज रहेगा, पूरे में से आपको देखिए कॉमन मिलेगा माइनस वन अपॉन आर क्यूब, ठीक है, नीचे आर क्यूब हो जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हम प्रीवियस में चेक कर चुके हैं किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन आर, आर स्क्वायर से आर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस वन अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू टू अपॉन आर, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, और जो स्टार्टिंग में मैंने आर का पूरा डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाया था वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आप वो अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। सिमिलरली आप कर्ल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह हम कर्ल की वैल्यू चेक करते हैं कैसे निकलेगी। हमें फाइंड आउट करना था कर्ल ऑफ आर कैप, राइट। जब आपको कर्ल की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको लिख सकते हो डेल क्रॉस आर कैप, का मतलब है वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर। हम इसको डिटर्मिनेंट बना के हमेशा सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट बना के लिखोगे तो आप इसको अगेन लिख सकते हो पहले डेल क्रॉस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा आर। मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप। नेक्स्ट आएगा डेल का कोफिशियंट, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, और यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन आर, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई कैप एज इट इज रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर परफॉर्म करोगे तो जेड तो कांस्टेंट है, जेड तो एज इट इज रहेगा, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना होगा। आपको वन अपॉन आर का करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में। मैं एक स्टेप लिख के दिखा रही हूँ, इसमें आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप यहाँ आएगा डेल अपॉन डेल वाई जेड अपॉन आर माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई अपॉन आर, राइट। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म किया है। माइनस जे के आपके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जेड अपॉन आर माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स अपॉन आर, एंड लास्ट मुझे मिलेगा के कैप, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन आर माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स अपॉन आर, राइट। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कहते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ आप एक स्टेप करेंगे तो बाकी आप सिमिलरली अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है, जब मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है तो z तो कांस्टेंट, राइट, और वन अपॉन आर का आप करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, जब आप आर का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल वाई। माइनस साइन का यूज किया मैंने, अगेन अगर हम y का z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ कॉन्स्टेंट होगा, जब आप 1 अपॉन r का करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, और r का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल r अपॉन डेल z, राइट। मैं सिर्फ ये पहला स्टेप आपको बता रही हूँ, आप ये दोनों सेक्शन सॉल्व करिएगा, और नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, राइट।
आगे हम सॉल्व करते हैं, आई कैप मैंने आर एस रखा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर, राइट, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमें पता है वाई अपॉन आर, ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वाई अपॉन आर स्क्वायर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमें पता है जेड अपॉन आर। आप चेक करोगे दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो आई कैप। सिमिलरली जब आप सेकेंड वाला स्टेप सॉल्व करोगे तो भी आपको मिलेगा जीरो जे कैप, और आप थर्ड वाला स्टेप सॉल्व करोगे तो भी आपको मिलेगा जीरो के कैप। दैट मीन्स हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा जीरो आई कैप माइनस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मैंने सेकेंड थर्ड पोर्शन छोड़ा है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया है वैसे ही आप सेकेंड थर्ड को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।